नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म टारगेट ऑन में। अक्सर देखा होगा आपने, आप कोई भी परीक्षा देने जाएं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट कोई भी कंपटीशन के आप सर्विस देख लें जो आयोग संपन्न कराती है, अगर ऐसे हम लोग जितने भी एग्जाम हैं अगर उनकी बात करें तो आपने देखा होगा जीएस के पोर्शन अपने आप में इतने महत्वपूर्ण होते हैं, जीएस के पोर्शन अपने आप में इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो कई विषयों को अपने में समाहित करते हैं। जैसे अगर मैं जीएस के केवल और केवल चार पोर्शन की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, और साइंस, ये मेजर सब्जेक्ट जो आपको जीएस के रूप में दिखते हैं, इसी सब्जेक्ट में अगर मैं कहूं कि स्कोरिंग आपकी अच्छी हो जाए तो कोई भी परीक्षा, चाहे आरओ की परीक्षा हो, एआरओ की परीक्षा हो, यूपीएससी की हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, आपने देखा होगा इसकी स्कोरिंग बता देती है कि आपकी तैयारी और आपकी परीक्षा कैसे हुई है। इसी को मजबूत करने के उद्देश्य से हम हमेशा कुछ नए तरीके से, कुछ नए स्ट्रेटजी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आज इसी पोर्शन में, जैसा आप सब जानते हैं मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं फिर से आपके समक्ष हूं और वो टॉपिक है संसद और संसद की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली संसदीय समितियां, संसद की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली संसदीय समितियां। तो टॉपिक मैंने क्या बताया, आज हम लोग क्या लेने वाले हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज ये वो महत्वपूर्ण पोर्शन है जिस पर आपको खूब सवाल मिलेंगे। जैसे सवाल शुरू करें, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, क्या यह दोनों सदनों से मिलकर बनती है, क्या यह केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलती है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। एस्टीमेट कमिटी, प्राकलन समिति क्या है, क्या प्राकलन समिति दोनों सदनों की संयुक्त समिति है अथवा प्राकलन समिति एकल सदन की समिति है। प्राकलन समिति किस उद्देश्य से बनाई जाती है, वास्तव में संसदीय समितियां किन उद्देश्यों से बनती हैं, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। मैंने कहा था कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, आप जब जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे या जब जब आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, आपको इस विषय से और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज इसी विषय और इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी किसको पढ़ेंगे। कार्य तो है संसद का, किस चीज के लिए, कि भैया संसदीय समिति का गठन करना, लेकिन थोड़ा अगर हम इंट्रोडक्शन में संसद को नहीं जानते तो संसद कैसे गठित हुई, क्या वास्तव में संसद भारतीय संविधान में विधायी सर्वोच्च सत्ता अपने पास रखती है, फिर संसद समितियों का निर्माण क्यों करती है,
क्या समितियां भी सरकार को या संसदीय कार्य को तानाशाह होने से रोकती हैं? क्या समितियों के माध्यम से सरकार नियंत्रण रहती है या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है? ये सारे सवाल, ये सारे महत्वपूर्ण डाउट क्लियर होंगे इस टॉपिक के साथ। तो अगर हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो मैंने क्या कहा कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है किन किन प्रोसेस से, तो हमें एक एक पॉइंट उसमें से यह समझ में आ जाएगा कि अगर संसद प्रश्न पूछकर, नीतिगत प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, तो सही बात है कि अनेक समितियों के माध्यम से जब कार्य होता है, इसमें सभी सत्ता दल के लोग समाहित होते हैं, सभी गैर सत्ता दल के लोग समाहित होते हैं, अर्थात संसद के प्रत्येक दल के सदस्य समाहित होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे संविधान में नैतिकता बनी रहती है और नीतिगत कार्यों को मजबूती मिलती है। इसलिए समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है, समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है। बात करें संसद की, वास्तव में पार्लियामेंट से मतलब क्या है, क्या है ये पार्लियामेंट? कहा गया भाई संसद जब हम पढ़ते हैं सरकार का स्वरूप, शासन का स्वरूप, तो हमने देखा है शक्ति पृथककरण सिद्धांत हमारे संविधान में या विश्व के किसी भी संविधान में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या कहा मैंने कि जब कभी हम लोग संसद की गतिविधियां पढ़ते हैं तो ये जो पावर का सेपरेशन किया है, ये प्रत्येक देश के संविधान पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। जैसे अगर एक ही जगह सारी सत्ता का स्रोत आ जाए तो सत्ता कैसी हो जाएगी, सत्ता तानाशाह हो जाएगी, एकाधिकार लेकर बैठ जाएगी। अगर शक्तियों का पृथककरण कर दिया जाए तो क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि शासन के अनेक कार्यों को सुगमता से किया जा सकेगा और कोई किसी के बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बगैर अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निष्पादित करेगा। जैसे सरकार तीन अंगों के माध्यम से कार्य करती है, हम लोग जानते हैं, तो क्या कहते हैं, कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी, तीन माध्यम से कार्य करती है। आज हम बात कर रहे हैं एक उस माध्यम की, सरकार के उस अंग की जो विधि का निर्माण करती है जनहित को ध्यान रखकर, जो जनहित को ध्यान रखकर विधि का निर्माण करती है और ऐसे विधियों का निर्माण करती है कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। संसद क्या है, देश के शासन व्यवस्था का, देश के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च विधायी सत्ता है, सर्वोच्च विधायी सत्ता है या संस्था है जिसके माध्यम से देश के शासन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। कहा जाता है आर्टिकल 79 क्या कहता है, आर्टिकल 79 क्या कहता है, कहता है, कहता है देश की एक संसद होगी, देश की एक संसद होगी देश की शासन व्यवस्था को सर्वोच्च विधायी सत्ता के रूप में क्या करती है, क्रियान्वित करती है, विधि बनाती है। आर्टिकल 79 कहता है देश की एक संसद होगी जो तीन अंगों से मिलकर बनेगी, जो तीन अंगों से मिलकर
निर्मित होगी। अब ये याद रखिएगा कि हम संसद के बारे में नहीं, आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में। लेकिन समितियां बन कहां रही हैं? संसद में। इसलिए हमको संसद के प्रावधान के उस पॉइंट को, जो वास्तव में कथन कारण से क्वेश्चन बने, निम्न में से क्या सही है क्या सही नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बने। मैंने कहा चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम और आप क्या करें, हम और आप सरलता से इसे समझ लें तो हम और आप क्या होगा, तैयार रहेंगे इसके लिए। कहा जाता है भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च विधायी सत्ता जो संसद है वह तीन अंगों से मिलकर निर्मित होती है। कौन कौन से? तो कहा गया संसद किससे मिलकर बनी होती है, तीन महत्वपूर्ण अंग हैं जो बताते हैं क्या, संसद लोकसभा से मिलकर बनती है, संसद राज्यसभा से मिलकर बनती है, संसद लोकसभा से मिलकर बनती है, संसद राज्यसभा से मिलकर बनती है, और ऐसी संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी है, ऐसी संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी है। अर्थात आप कहेंगे देश के शासन के सर्वोच्च विधायी सत्ता के निर्माण में तीन सहायक अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, जिसे हम लोग कहते हैं निम्न सदन, जनता का लोकप्रिय सदन, राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली है इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है, राष्ट्रपति। भले ही भारत का राष्ट्रपति संसद के विधायी प्रक्रिया, कार्यपालिकी प्रक्रिया, न्यायपालिकी प्रक्रिया में बतौर सदन सदस्य के रूप में भाग नहीं लेता है, यानी संसद के किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने में कभी भी राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता। लेकिन माना जाता है कि सदन का अभिन्न अंग है, संसद का अभिन्न अंग है। कैसे अंग है? तो भैया संसद में कोई विधेयक पारित कराएंगे, संसद का कार्य क्या है समझ रहे हैं ना, विधि का निर्माण करना। तो अगर विधि के निर्माण के लिए क्या कहा गया था, मैंने कहा था ना कि जब भारतीय संविधान निर्मित हुई थी, जब भारतीय संविधान निर्मित हुई थी 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो इसने जब सारे कार्य आरंभ किए थे, बैठकें की थी, अधिवेशन किया था, वाचन किया था, उसी क्रम में यह भारतीय संविधान 24 जनवरी 1950 को अपनी अंतिम बैठक के समय अंतरिम संसद में परिवर्तित तो होती है। तब से लेकर आज तक भले ही संसद का स्वरूप यूं बदलता रहा, लेकिन संसद देश की विधायी सर्वोच्च सत्ता रही, विधि निर्माण में सहायक रही, विधि निर्माण जब भी किया संसद ने लोकहित को ध्यान में रख के किया। इसका मतलब संसद का अपना शुरू से अस्तित्व रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो भारतीय संविधान निर्माता थे, जब वो संविधान सभा के रूप में बार बार एक अधिकार की मांग कर रहे थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें स्वशासन चाहिए, हम अपने देश का संविधान खुद निर्मित करेंगे, तो कहा गया कि किसी भी देश के संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक हो जाता है उस देश में संविधान सभा का होना। इसका मतलब संविधान सभा क्या है? सर्वोच्च निकाय है, संप्रभु निकाय है, एक ऐसा पटल है जिस पटल पर बैठकर किसी भी देश के शासन के विधियों का निर्माण होता है, और उस विधियों द्वारा उस देश में शासन को सुगमता से निरंतर चलाया जाता है। चलिए भाई मान ले, तो इसका मतलब एक महत्वपूर्ण संप्रभु निकाय हुई, तो ऐसे महत्वपूर्ण संप्रभु निकाय में अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष ना हो तो कहीं ना कहीं ये अधूरा होगा। तो जब ऐसे सर्वोच्च और संप्रभु निकाय में, हम दोनों की बात कर रहे हैं, जब भारतीय संविधान के रूप में संविधान सभा एक
सर्वोच्च संप्रभु निकाय था और वही अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गया, तो दोनों का अस्तित्व तो एक ही है, दोनों एक ही है। तो हुआ क्या, जब कभी विधि निर्माण में कोई विधेयक आएगा, दोनों सदन से पारित तो होगा, राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। यदि वह विधेयक कानूनी स्वरूप चाहता है तो उसका राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है, भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, हम बात करें कब की, भारत शासन अधिनियम 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया था। आपको याद होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन के निर्माण की बात की गई थी। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था उस समय के संपूर्ण भारत पर शासन करना। इस समय जब ये बना था, ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा संपूर्ण भारत पर एक महत्वपूर्ण शासन करना, जिससे भारत की जो वास्तव में स्थित 1935 के पहले एकात्मक थी, वो बाद में संघी रूप में दिखी, वह इसी संस्था की देन है। तो इसके माध्यम से प्रांतों को मजबूत किया जाए, केंद्र को मजबूत किया जाए। और इसी समय आपने देखा था कि 1919 में, आपने देखा था कि 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन था, 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको 1935 के द्वारा समाप्त किया गया। 1935 के द्वारा समाप्त किया गया और उसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया, उसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया, जहां द्विसदनी विधायिका कार्य कर रही थी, जहां द्विसदनी विधायिका कार्य कर रही थी। कौन सी, एक थी विधानसभा, जिसे हमने अपने निम्न सदन के रूप में जाना था, और एक थी विधान परिषद, जिसको हमने अपने उच्च सदन के रूप में जाना था। तो जब 1935 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, तो इसी परंपरा को लेकर, इसी अवधारणा को लेकर हम आप आगे बढ़े। और भारत में जिस विधायिका का गठन किया गया, उस विधायिका का स्वरूप हमने कैसा निर्धारित किया, द्विसदनात्मक निर्धारित किया। कैसा निर्धारित किया, द्विसदनात्मक निर्धारित किया। ये तो था वास्तव में संसद का कुछ स्वरूप। मैंने संसद वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, 545 है कि 543, पहले जब बनी थी तब 552 थी कि 550, इन सब पे जिक्र नहीं किया। आज का मेन टॉपिक था संसद। तो संसद में मैंने आपको संसद का एक प्रावधान बताया कि संसद इस तरीके से कार्य करती थी, लेकिन संसदीय समितियों के बिना इस संसद पर और इस संसद द्वारा कार्यपालिका पर यानी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आवश्यक है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संसदीय समितियां पढ़ी जाए, संसदीय समितियां पढ़ी जाए। संसदीय समितियों को समझने के लिए अति आवश्यक हो जाता है संसद के कार्यों को समझना। संसदीय समितियों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है संसद के कार्य को समझना। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या कार्य है आपके संसद के,
संसद आप संसद को आप किस रूप में जानते हैं, क्या क्या कार्य है? हम सब जानते हैं संसद क्या है, विधायी सर्वोच्च सत्ता है। तो इसका कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्री परिषद आप कहेंगे, मंत्रिपरिषद आप भी जानते हैं सामूहिक है, सबसे ज्यादा विस्तारित है, और मंत्रिमंडल उसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्री हैं। तो मैंने दोनों लिखा है, इसीलिए मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का निर्माण करना। और उन पर नियंत्रण करना, उन पर नियंत्रण करना, आपका क्वेश्चन यहीं से समिति का निकलेगा, आपका क्वेश्चन यहीं से समिति का निकलेगा। उन पर नियंत्रण करना, चलिए भैया, फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका किसके लिए है? पूरी मंत्रिपरिषद जब कार्यपालक के रूप में कार्य कर रही है तब के लिए है। मंत्रिपरिषद जब निर्मित होती है, प्रधानमंत्री से ही सभी मंत्री शामिल होते हैं, तब फिर क्या करता है संसद का कार्य है? नीतिगत विषयों पर चर्चा करना, नीतिगत विषयों पर चर्चा करना। नीतिगत विषयों पर चर्चा करना, ये किसका कार्य है? संसद का। संसद क्या करती है भैया? सभी पूरे इकाई 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में विधि का निर्माण करके लागू करवाना है। ऐसे विधि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में संसद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कार्य करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता दल, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के सदस्य अनैतिक कार्य कर ले, तानाशाह बन जाएं, अपने एकाधिकार को समझ के कार्य करें। इसके लिए संसद समय समय पर क्या करती है? ऐसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों से, ऐसे कार्यपालिका की सदस्यों से नीतिगत प्रश्न पूछती है, नीतिगत प्रश्न पूछती है, कुछ विधेयक पर चर्चा करती है, आधे घंटे की चर्चा करती, अल्पकालिक चर्चा करती है, प्रश्नकाल करती है, तारांकित प्रश्न पूछती है, अतारांकित प्रश्न पूछती है। इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें नियंत्रित करती है, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये क्या किया जाता है? ये संसद को चारों तरफ से घेर कर, संसद को चारों तरफ से घेर कर जो इकाई बनी होती है, मंत्रिमंडल, कार्यपालक, इन सब पर नियंत्रण लगाने का एक तरीका होता है। चूंकि भारतीय संसद में सभी सदस्य, सारे मंत्री, सभी सदस्य पूरे देश के शासन को देख रहे होते हैं, कार्यों में लगे होते हैं, विधेयक पर चर्चा करा रहे होते हैं, बजट प्रस्तुत कर रहे होते हैं, विकास की योजनाओं को देख रहे होते हैं, तो अक्सर होता क्या है कि संसद के सदस्य या मंत्रीगण और कार्य नहीं कर पाते। भाई उनके ऊपर वैसे भी देश का पूरा भार है, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो और कार्य नहीं कर पाते, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए क्या किया जाता है? समितियों का निर्माण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर संसद के सदस्य चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और वह विषय चर्चा योग्य है, अविलंब ना हो, तो क्या किया जाए? कहा गया प्रत्येक सदन के सदस्य से मिलाकर कुछ समितियां निर्मित कर दी जाए। ये समितियां क्या करेंगी? ये समितियां देश के शासन के लिए कुछ नियम कानून बनाएंगी जिन्हें संसद के सदस्य देख लेंगे और क्या करेंगे, वह अगर सकारात्मक है तो उसे लागू कर देंगे। इसका मतलब संसद समितियां संसद के कार्यों के संचालन में सहायक भूमिका निभाती हैं।
संसद के कार्यों के संचालन में सहायक भूमिका निभाती हैं, संसद के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती हैं। क्यों करती हैं? मैंने बताया, एक तो ये कि संसद के सदस्यों के ऊपर कार्यों का वैसे ही अत्यधिक बोझ होता है, दबाव होता है, विधि बनाना, विधि लागू करवाना, विधि में ये अमेंडमेंट है, इस विषय पर चर्चा करना, बजट की स्थिति को देखना, आर्थिक आकलन करना, विकास की परियोजनाओं को देखना। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं इस पर चर्चा होगी। कहा गया कभी कभी संसद सत्र में नहीं होती, कभी कभी स्थिति ऐसी है कि संसद सत्र में नहीं है, एक कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, किसी सदन का विघटन हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आ गए हैं, किसी सदन का विघटन हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आ गए हैं। जब कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तब ये सारे विषयों पर चर्चा करके उन्हें निष्पादित कराना संसद समितियां ही सहायक होती हैं। सब इसको क्यों नहीं मान लेते हैं, क्यों समितियां सबके द्वारा मान्य हो जाती हैं कि ये समिति अगर राय दी है, प्रवर समिति ने दिया है, संयुक्त प्रवर समिति ने दिया है, प्राकलन समिति ने दिया है, लोक लेखा समिति ने दिया है, लोक उपक्रम समिति ने दिया है, जांच समिति ने दिया है, तो क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इसमें सभी दल के सदस्य होते हैं और सब दल इसमें कहीं ना कहीं सहायक की भूमिका निभा रहे होते हैं, इसलिए सारे दल द्वारा किए गए कार्य को संसद मान्य करार दे देती है। चलिए पढ़ा क्या जाए, पढ़ा जाए संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट्री कमिटीज संसद समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस लाइन को बोल रही हूं, इसका मतलब समझिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। इसका आकलन आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आ जाएगा कि आज का ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए भाई, संसदीय समितियों का जिक्र किया जाए, बात की जाए। संसद के कार्यों में संसद के कार्यों के संचालन में संसद के कार्यों के संचालन में सहायक की भूमिका निभाती है, संसद के कार्यों के संचालन में सहायक की भूमिका निभाती है। मैंने बताया क्यों, अभी मैंने आपसे जिक्र किया क्यों, क्योंकि भाई तमाम तरीके के कार्य हैं देश के संचालन के लिए जिसको संसद को करना पड़ता है, तो ये क्या करती हैं, संसद के कार्यों में सहायक की भूमिका निभा रही। अब इन संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अगर मैं कहूं तो जान जाइएगा सभी शामिल हैं। तीन अंग बताया, राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति होगी, बाकी दोनों अंग समाहित होंगे। चलिए, इन संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा आर्टिकल 118
आपको मैंने कथन कारण के सवाल में भी 118 एक की व्याख्या की है, और एक जगह आपने देखा होगा पीसीएस में भी इस पर क्वेश्चन बना है। तो क्या किया है, संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा, संसद की प्रक्रिया को संचालित करने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। संचालित करने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने, संसदीय समितियां क्या हैं? संसद के कार्यों के संचालन में सहायक की भूमिका अदा करती हैं। इन संसदीय समितियों का गठन कौन करता है? खुद संसद अपने सदस्यों में से मिलकर करती है। 118 खंड एक की अधिकारिता के तहत करती है। जो अधिकारिता संसद को दी गई है क्या कहती है कि भैया संसद की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए इन समितियों का होना आवश्यक है, इसलिए संसद द्वारा इन समितियों का जो आपको दिख रहा है इन समितियों का गठन किया जाता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे देखा जाए। चूंकि संसद की समितियां एक छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं, क्या कहा मैंने, चूंकि संसद की समितियां एक छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं जिसमें सभी सदन के सदस्य शामिल होते हैं, इसका मतलब एक छोटे सदन के रूप में कार्य कर रही है, सभी सदन के सदस्य शामिल हैं, इसलिए संसदीय समितियों को लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है? लघु संसद कहा जाता है। क्यों? सदन की तरह कार्य कर रही है, सदन के सभी सदस्य शामिल हैं, चर्चा हो रही है, बहस हो रहा है, संशोधन हो रहा है, सारी प्रक्रिया संसद जैसी ही हो रही है, इसलिए क्या कहलाएंगी, ये लघु संसद कही जाती है, जो कि संसद का अभिन्न अंग कहलाती है। अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, बिना समिति के सारे कार्यों का निष्पादन असंभव होगा। ये क्या करता है, समितियां क्या करती हैं, समितियां संसद के कार्यों को सुगम और सरल बना देती हैं। तो लघु संसद के रूप में, और सब इसे क्यों मान लेंगे भाई, सब लोग इसकी राय को, इसकी सलाह को क्यों मान लेंगे, क्योंकि सभी दल के सदस्य हैं और सभी दल के सदस्य अपने अपने दल का प्रतिनिधि कर रहे हैं, इसलिए इसको आसानी से मान लिया जाएगा और इसके द्वारा दिए गए सलाह को, इसके द्वारा दिए गए डिसीजन को बड़े ही सहजता से सब स्वीकार कर लेंगे। चलिए भाई इसके आगे बात करें। कहा जाता है चूंकि समितियां क्या कर रही हैं, संसद के सारे कार्यों पर निगरानी रख रही, तभी तो लोक लेखा समिति को डॉग वॉचर कहा जाता है, संसद पर नजर रखने वाली तीसरी आंख कहा जाता है। सारी संसद के सारे कार्यों पर क्या कर रही है, निगरानी रख रही है। चूंकि समितियां संसद के सारी गतिविधियों पर निगरानी रखती है,
क्या कहा मैंने, चूंकि समितियां संसद के सारी गतिविधियों पर निगरानी रखती है कि संसद कैसे कार्य कर रहा है, संसद में ये कार्य नीतिपूर्ण तरीके से हो रही है या नहीं, इसका मतलब जितनी संसदीय कार्य है सबको वो क्या करें गहन तरीके से अध्ययन कर रही है, इसलिए इसलिए संसद की विधायी कार्यों संसद विधायी कार्यों तथा कार्यपालिकी कार्यों तथा कार्यपालिकी कार्यों पर नियंत्रण रख कर उन्हें नीतिगत कार्य करने को प्रेरित करती हैं या बनाए रखती हैं। सवाल पूछा गया है, डिट्टो यही लाइन क्वेश्चन बन के पूछा गया है कि संसद विधायी कार्यों पर तथा कार्यपाल की नियंत्रण किस प्रकार करती है, तो किसके माध्यम से करती है, संसदीय समिति के माध्यम से। संसद विधायी कार्यों पर किसके विधायी कार्य, संसद का मतलब नहीं समझ पा रहे, सरकार संसद में है, विपक्ष संसद में है, सत्ता दल संसद में है, सब संसद में है, तो संसद क्या है, जरूरी नहीं कि संसद सरकार है, सरकार संसद का एक अभिन्न अंग है। सरकार का मतलब हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, निचला सदन लोकसभा, जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और अपना लोकप्रिय नेता बनाती है, तो ऐसी सरकार कुछ सदस्यों के साथ संसद में बैठी है, ऐसी सरकार मनमाने तरीके से कार्य ना करे, इसलिए संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायी कार्यों को संपन्न करके विधायी कार्य अनैतिक ना हो, इन सब पर नीतिगत नियंत्रण स्थापित करती है। क्या करती है, नीतिगत नियंत्रण स्थापित करती है, तो इसलिए संसदीय समिति, इसलिए संसदीय समिति संसद की महत्वपूर्ण संस्था होती है, संस्था है, विधायी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, देश के सारे सदस्यों को एक पटल पर लेकर, और संसद इससे सरकार को सत्ता दल को सबको घेरे हुए है ताकि सरकार नीतिगत कार्य करे अनीतिगत ना करे। अब आ जाइए, भारत में सबसे पहली बार संसदीय समितियों का निर्माण कब हुआ और ये अस्तित्व में कब आई। भाई कभी तो इनका प्रादुर्भाव हुआ होगा, कभी तो ये उदित तो होकर हमारे लिए कार्य कर रही होंगी। कहा गया कि भारत शासन अधिनियम क्या, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप किसी और नाम से भी जानते, भारत शासन अधिनियम 1919 को आप किसी और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सबसे पहली बार संसदीय समितियां इसी कालखंड में इस अधिनियम के समय अस्तित्व में आई। चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान 1921 से पूरे देश में लागू हुए थे, जो प्रावधान 1919 के तहत बन गए थे वो पूरे देश में 1921 में 2 साल बाद लागू हुए थे, तो इसका मतलब अस्तित्व में आई थी 1919 में और भारत में लागू हुई थी 1921 में। लेकिन
स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ये ब्रिटिश संसद के अनुरूप कार्य करती थी, इतनी व्यापक और शक्तिशाली नहीं थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद जब भारतीय संविधान बना और वर्तमान संसद अस्तित्व में आई, तब ये समितियां अत्यधिक व्यापक हुई, शक्तिशाली हुई और ये विस्तार से कार्य करना शुरू की। तो ये किस रूप में कार्य करती हैं? संसद के अभिन्न अंग के रूप में सारे सदस्यों को लेकर चलती हैं, संसद की ही तरह कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें लघु संसद कहा जाता है। अब आ जाइए बात करें समितियों के प्रकार, कितने प्रकार की समितियां होती हैं? समितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कमिटीज, कितने प्रकार की होती हैं, आइए इस पर चर्चा करें। चलिए, संसदीय समितियां कितने प्रकार की हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज, कहा गया एक होती है तदर्थ या अस्थाई समिति, एडहॉक कमिटीज, और एक होती है स्थाई समिति यानी स्टैंडिंग कमिटीज, जिसे आप परमानेंट कमिटी भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक तदर्थ या अस्थाई, एडहॉक कमिटीज होती है, एक होती स्थाई समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज होती है। अब देखिएगा, बात करें अगर हम तदर्थ या अस्थाई समितियों की, तो अक्सर कहा गया तदर्थ या अस्थाई समिति, तदर्थ यानी तुरंत किसी विषय के लिए गठित हो जाना, तदर्थ एडहॉक, जो परमानेंट ना हो, जो स्टैंडिंग कमिटी ना हो, कोई विषय आया तुरंत किसी विषय के लिए ये गठित हो जाए, वह कहलाती है तदर्थ या अस्थाई समितियां। किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए कोई ऐसा विषय आ गया जिसके लिए, यानी विशेष उद्देश्य के लिए अचानक से कोई कमिटी गठित होगी, उसको कहेंगे तदर्थ या अस्थाई समिति। इस समिति में जब एक सदन के लोग कार्य करते हैं, जब एक सदन होता है, तब उसे कहते हैं सेलेक्ट कमिटी या प्रवर समिति, जिसके सदस्य की संख्या 30 होती है। किसी भी सदन के 30 सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, और ये जब दोनों सदन सम्मिलित हो तब उसे कहते हैं ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी यानी संयुक्त प्रवर समिति। इसमें 45 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए गठित होती है या सलाहकारी समिति के रूप में गठित होती है, नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए गठित होती है, स्पेशल कोई विषय आ गया सब्जेक्ट उसके लिए, या एडवाइजरी कमिटी के लिए गठित होती है। तो ये कौन सी होती है? अस्थाई होती है, जो कुछ समय के लिए गठित हुई और उद्देश्य खत्म, तो ये समाप्त। अभी डिटेल में पढ़ना है, केवल ऐसे समझिएगा, अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है। दूसरी होती है स्थाई समितियां। आज डिटेल में इसमें से कई समितियां पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ऐसे एक सतही तौर पर देख लिया और चल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थाई समितियां। स्थाई समितियों में होती है वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमिटीज की बात कर ले, विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है, जांच समितियां, इंक्वायरी कमिटीज होती है। तो ये तीन प्रकार की स्थायी समितियां होती हैं और सब अलग अलग होती हैं। पूछा जाता है सवाल, भारतीय संविधान में वित्तीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, या वित्तीय समितियों की संख्या क्या है, कौन कौन सी है समिति जो केवल वित्तीय समिति है। जब कभी सवाल पूछा जाए तो जान जाइएगा भारतीय संविधान में तीन ही समितियां हैं जो वित्तीय समिति के रूप में जानी जाती है।
तीन ही समितियां हैं जो वित्तीय समिति के रूप में, फाइनेंशियल कमिटी के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इनका कार्य ही है बजट के अनुमान करना, बजट को कम करना, विनियोग विधेयक के माध्यम से कितनी राशि गई, अनुदान विधेयक के माध्यम से कितनी गई, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से कितनी गई, क्या वास्तव में सरकार को इतने बजट की आवश्यकता थी, क्या बजट का आकलन कम नहीं हो सकता था, इस प्रकार के तमाम कार्यों से संबंधित है ये। तो वित्तीय समितियां तीन है, कौन कौन सी है? प्राकलन समिति, आप कहते हैं एस्टिमेट कमिटी, क्या कहलाती है? एस्टीमेट कमिटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। मेरी कोशिश होगी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पास ना आए, इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस रचना के तरीके से इसका निर्माण किया जाए कि आयोग इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे पूछने की क्षमता ही ना रखे, इतना आपको तैयार करना चाहिए। लोक उपक्रम समिति, पब्लिक कमिटीज, मैंने सब में सदस्य संख्या लिखी है और मुझे अलग से पढ़ाना भी है, ये तो मैंने आपके लिए एक बोर्ड फॉर्म में तैयार कर रखा है कि आप इसको देखें कि इसमें किस प्रकार से कमिटीज बनती हैं। प्राकलन समिति आकलन करने वाली, एस्टीमेट लगाती है, केवल 30 सदस्य होंगे, केवल और केवल कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, दोनों सदस्य शामिल होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। आप देखेंगे इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक समिति के सदस्य कितने होते हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ग्राफ में चर्चा किया है। अब आ जाइए स्थाई समितियां पढ़ रहे हैं, अस्थाई दो ही हैं, अस्थाई समितियां दो ही हैं, किसी विशिष्ट विषय की जांच की समिति, सलाहकारी समिति, बाकी जितनी समितियां हैं सब स्थाई समिति हैं, सबका कार्यकाल एक वर्ष का होगा, कौन कितने सदन से मिलकर बनेगा ये पढ़ना है, किसमें कौन सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, कौन विपक्ष का नेता होता है ये भी पढ़ना है, सारी समितियों के बारे में पढ़नी है। जांच समिति, विशेषाधिकार समिति, तीन है विशेषाधिकार समिति, ये क्या करती है? ये 25 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। एक होती है याचिका समिति, जब किसी विषय पर हम लोग रीट या याचिका की बात करते हैं तब, तो वो याचिका ध्यान देती है याचिका समिति, ये भी 15 लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से मिलाकर बनती है। आचार समिति नैतिकता की बात करती है, एथिक की बात करती है, 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से, ये इससे बनती है। अभी हमने कहा ना एक एक सदस्य के समितियों को, एक एक समितियां कैसे बनती हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। सदन की अन्य समितियां, सारी स्थाई की बात कर रहे हैं हम, अस्थाई मैंने दो बताया, अभी इस पर जिक्र करेंगे। नियम समिति, रूल्स कमिटीज, 15 सदस्य लोकसभा से हैं, 16 सदस्य राज्यसभा से। ये ग्राफ दिखाने का मतलब क्या है मैम? इस ग्राफ से फायदा क्या होगा? सदस्य संख्या कितनी किसमें पूछी जाती है ये कौन बताएगा? आप बताएंगे। कौन पूछेगा? आयोग पूछेगा। ये ग्राफ क्या करेगी? आपके आंसर में सहायक की भूमिका अदा करेगी, जैसे संसद के कार्यों में समितियां सहायक की भूमिका अदा करती हैं। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समितियां, 15 सदस्य लोकसभा से, 16 सदस्य राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा समिति, 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, आप जानते हैं ना गैर सरकारी और सरकारी दो विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक हमेशा सरकार के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, सीधे सदन में आता है, गैर सरकारी पहले सचिवालय में जाता है, एक माह सूचना देकर तब लाया जाता है। तो ये सारी समितियों के बारे में कौन करेगा अध्ययन? तो ये 15 सदस्य लोकसभा से वो अध्ययन करेंगे, 10 सदस्य राज्यसभा से वो अध्ययन करेंगे। ये सब स्टैंडिंग कमिटी हैं,
स्थायी समितियां हमेशा बनी रहती है साल भर, छानबीन या अन्वेषण या इंक्वायरी कमिटीज क्या कहलाती है, सरकारी आश्वासन समिति। आप देख रहे होंगे 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति यानी SST कमिटीज की बात कर रहा है, 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। लोकसभा भी आरक्षण दे रहा है, आरक्षण तो देता है ना, तो आरक्षण देता है, सदस्य बैठाता है। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति 15 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य राज्यसभा से। सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति 15 सदस्य, 10 सदस्य, सबका देख लीजिए। यानी जितने प्रकार के कार्य है ना, संसद जितने प्रकार के कार्य करता है ना, उतने प्रकार की समितियां रखता है। आवास समिति बांटे जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बांटे जाते हैं, आवास समिति, वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, ये सारी समितियां और इसके सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं का मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सब पढ़ना है, सब समझना है। आइए समितियों के प्रकार की बात करें। मैंने बताया समिति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई समिति, आप कहते हैं एडहॉक कमिटीज, और एक होता है स्थाई समिति। स्टैंडिंग कमिटीज, एडहॉक कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज। अब एडहॉक कमिटीज कैसे है, ये दो विषयों के लिए आते हैं, विशिष्ट विशिष्ट विषयों की जांच के लिए, विशिष्ट विषयों की जांच के लिए समिति गठित होती है। दूसरी सलाह के लिए सलाहकारी समिति गठित होती है, किसी विषय या विधेयक पर चर्चा करना है, सलाह लेना है, तब गठित होती है। स्थाई कमेटी मैंने बताया बहुत ढेर सारी है, अभी मैंने आपको बताया ऐसी समितियां जो निश्चित अवधि के लिए होती हैं, एक वर्ष जिनका कार्यकाल होता है लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा निर्मित होती है। कुछ ऐसी समितियां हैं जो केवल लोकसभा द्वारा निर्मित होती है, कुछ ऐसी हैं जिनमें दोनों शामिल होते, वो भी पढ़ना है। आज पढ़ेंगे अस्थाई समिति के बारे में, जिक्र करेंगे अस्थाई समितियां। एडहॉक, आज पढ़ेंगे अस्थाई समितियां, एडहॉक कमिटीज। चलिए भाई पढ़ा जाए अस्थाई समितियां। मैंने अभी बताया आपसे कुछ स्पेशल विषय हैं, अचानक से कोई परिस्थिति आ गई, कोई विशिष्ट विषय आ गया जिसकी जांच चाहिए या जिस पर सलाह चाहिए, उसके लिए कौन गठित होगी, तो उसके लिए गठित होगी अस्थाई समिति। यानी ये परमानेंट नहीं रहती, कैसी है, जो परमानेंट नहीं रहती, परमानेंट नहीं है तो क्या कहेंगे, तदर्थ समिति। तदर्थ तुरंत बनी है, क्या है ये तुरंत निर्मित हुई है। इन समितियों को, इन समितियों को अस्थाई समिति कहा जाता है, इन समितियों को अस्थाई समिति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन समितियों को अस्थाई समिति कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये
किसी, इन समितियों को अस्थाई समिति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी विशिष्ट विषय से या विशिष्ट कार्य करने के लिए, क्योंकि ये विशिष्ट विषय से या विशिष्ट कार्य करने के लिए गठित की जाती है, इसलिए इन्हें अस्थाई समिति कहा जाता है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होती है, विशिष्ट कार्य, विशिष्ट उद्देश्य के प्रयोजन के लिए निर्मित की जाती है। जब इनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है, ऐसी समितियों को कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जब इनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है, अर्थात ये उस विशिष्ट विषय पर चर्चा करके, अपनी राय देकर या उसकी पूरी जांच करके रिपोर्ट सौंप देती हैं, इनका उद्देश्य समाप्त, वैसे ही उस अस्थाई समिति का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। उस अस्थाई समिति का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है, अर्थात किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए गठित की गई थी, वो प्रयोजन या वो उद्देश्य पूरा हो गया। जैसे इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया कि भैया देखिए जांच हो गई, पूरा कार्य हो गया, जिस कार्य के लिए हम गठित किए गए थे हमने अपना कार्य निष्पादित कर दिया। जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट पहुंचाया, रिपोर्ट आ गई, समिति स्वतः समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट उद्देश्य था गठित होने का और उस उद्देश्य को इसने पूरा कर लिया, इसीलिए इसको अस्थाई समिति कहा जाता है। अब देखिए, अस्थाई समिति बनी तो है ही, कमिटीज का निर्माण होता ही है। यह अस्थाई समिति दो प्रकार के सदन से मिलकर बनती है। अब ध्यान से समझिएगा, यह अस्थाई समिति दो प्रकार से कार्य करती है, या आप कहेंगे ये अस्थाई समिति दो प्रकार की होती है। बार बार कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। किसी विशिष्ट मामले, किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए, गठित समिति, अस्थाई समिति मैंने आपको बताया ही दो प्रकार की होती है। किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए गठित समिति, आप कहेंगे जांच समिति। भाई इसको कुछ तो नाम देंगे आप, तो आप क्या कहेंगे? जांच समिति, इंक्वायरी कमिटीज। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है किसी विषय, किसी विषय या विधेयक पर चर्चा करके सलाह लेने के लिए गठित समिति। किसी विषय या विधेयक पर चर्चा करके सलाह लेने के लिए गठित समिति क्या कहलाएगी? सलाहकारी समिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एडवाइजरी कमिटी कहलाएगी, सलाहकारी समिति कहलाएगी। अब आप खुद सोचिए, एक विषय की जांच करनी है और एक विषय पर सलाह लेना है। समिति गठित हुई है। जैसे ही ये समिति जांच करके रिपोर्ट दी या इस समिति ने सलाह दे दिया, पूरे विषय का गहनता से अध्ययन किया और सलाह दे दिया कि महोदय इस कार्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसे इसका अस्तित्व समाप्त। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया। अब जांच समिति
जांच समिति किस लिए आपने गठित की? इंक्वायरीज कमिटी। जो हमने अन्वेषण समिति कही ना, छानबीन समिति, वो परमानेंट है, स्टैंडिंग कमिटी है, वो हमेशा बनी रहती है। किसी विशिष्ट विषय के लिए मैंने शब्द यूज किया है, जांच समिति। क्या कहा गया? कोई विशिष्ट विषय जो अचानक से आया, उसकी जांच करनी है। और एक समिति गठित हुई जिसे हमने कहा इंक्वायरी कमिटी। कोई विशिष्ट विषय आया, उसकी जांच करनी है, और हमने क्या किया, उसकी जांच के लिए कमिटी गठित कर दी। कमिटी गठित की है किस लिए? इसका मतलब वो कार्य करेगी, कार्य करके रिपोर्ट देगी। तो जब कोई विशिष्ट विषय जांच के लिए आया, जैसे क्या आ सकता है? वो फोर्स घोटाला। स्टॉक मार्केट घोटाला आया था, बोफोर्स मामला आया, स्टॉक मार्केट मामला आया, इसमें जब घोटाले की बात आई इस विशिष्ट विषय के लिए कि भैया इसकी जांच की जाए, जांच समिति गठित की गई। मान लीजिए एक विषय जो आया, इनमें जो विषय आए उन विषयों की बात करें, जैसे बोफोर्स घोटाला था, स्टॉक मार्केट घोटाला था, एक विषय आया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, अब इसकी जांच कराई जाए, तब जाके क्या किया जाए, निर्णय दिया जाए। जैसे मुदगल किस लिए आए थे, तो आपको पता होगा वो पैसा लेकर संसद में सवाल कर रहे थे, इस पर मामला आया था जब पहली बार 1951 के समय, तब तो वो भी तो एक जांच समिति थी, जांच समिति बैठाई गई है। अब देखिए, जब कभी ऐसे विषयों पर एक सदन से समिति बनेगी, मान लीजिए दो विषय मैंने बताया आपको, जांच समिति और सलाहकारी समिति, यही समझ लीजिए दोनों अस्थाई समिति दो ही हैं, और दो में दो ही समिति बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिएगा। मान लीजिए जांच समिति है, कोई विशिष्ट विषय आ गया, इस पे जांच होना है या सलाह लेना था, दोनों यही समझ लीजिए, या किसी विधेयक पर सलाह लेना था कि भैया ये बताइए समान सिविल संहिता क्या लागू किया जाए। अब जब सबको लग रहा है कि अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसकी जांच के लिए समिति गठित हो गई, या इस विशिष्ट विषय की जांच के लिए गठित हो गई। जब एक सदन से गठित होती है तब आप उसे प्रवर समिति कहते हैं, सेलेक्ट कमिटी, प्रवर समिति। और जब दोनों सदन शामिल होते हैं तब आप क्या कहते हैं? तब आप उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। अगर ये नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कि आप अधूरा पढ़े। तब ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी, क्या कहा मैंने, जब कभी जांच करना हो या सलाह लेना हो, एक सदन से कमिटी गठित होगी तो क्या कहलाएगी? एकल सदन से गठित है इसलिए प्रवर कहलाएगी, सेलेक्ट कहलाएगी। दोनों सदन से समित है तो, अगर दोनों सदन के सदस्य है तो क्या कहलाएगी? संयुक्त कहलाएगी, ज्वाइंट सेलेक्ट कहलाएगी। चलिए भाई, क्या कहा मैंने, प्रवर समिति पढ़ना है, प्रवर समिति पढ़ना है, सेलेक्ट कमिटीज पढ़ना है, आ जाइए सेलेक्ट कमिटीज पढ़ा जाए, प्रवर समिति। तदर्थ या अस्थाई समिति में, तदर्थ या अस्थाई समिति में चाहे प्रवर समिति हो चाहे संयुक्त प्रवर समिति हो, अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब कभी
किसी जांच या सलाह के लिए। जब कभी किसी इंक्वायरी या एडवाइस लेने के लिए, जब कभी किसी जांच या सलाह के लिए किसी एक सदन से, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी किसी जांच या सलाह के लिए किसी एक सदन से सदस्यों की समिति गठित होती है, क्या कहा मैंने, जब कभी किसी जांच या सलाह के लिए सदस्यों के एक सदन से समिति का गठन किया जाता है, तब वह प्रवर समिति कहलाती है। तब वह क्या कहलाती है? तब वह प्रवर समिति या सेलेक्ट कमिटीज कहलाती है। जब किसी जांच या सलाह के लिए किसी एक सदन के सदस्यों से किसी भी समिति का गठन किया जाता है, तब वह क्या कहलाती है? प्रवर समिति कहलाती है। जब कभी किसी जांच या सलाह के लिए दोनों सदनों के सदस्यों से जब कभी किसी जांच या सलाह के लिए दोनों सदनों के सदस्यों से समिति का गठन किया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त प्रवर समिति या ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज कहलाता है। अब ध्यान से मैंने क्या बताया, इसमें सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम सदस्य संख्या प्रवर समिति की 30 हो सकती है, या तो लोकसभा के ही अकेले सदस्य होंगे या राज्यसभा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। मैंने या शब्द लिखा है। 30 सदस्य एक ही समिति के होंगे तभी वह प्रवर समिति कहलाएगी, या तो लोकसभा से गठित होगी या तो राज्यसभा से गठित होगी। संयुक्त प्रवर समिति में मैंने आपको बताया कि जब कभी जांच और सलाह दोनों सदन से मिलकर बनेगा, इसका मतलब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? अधिकतम सदस्य संख्या 45 होनी चाहिए, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होंगे, और राज्यसभा के 15 सदस्य होंगे। जांच हो गई, सलाह दे दिया, दोनों में से कोई कार्य के लिए गठित हुई, चाहे जांच के लिए गठित हुई समिति, चाहे सलाह के लिए गठित हुई समिति, अगर इन्होंने ये कार्य कर दिया, जैसे रिपोर्ट देने के तुरंत ही समिति स्वतः समाप्त हो जाती है। इसको समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या थी? ये थी अस्थाई समिति। क्या थी? अस्थाई समिति। अब अगर हम लोग बात करें स्थाई समितियों की, स्थाई समिति, स्टैंडिंग कमिटीज, स्थाई समिति
स्टैंडिंग कमिटीज, चलिए इसकी बात करें। मैंने बताया इसमें कई प्रकार की समिति होती है, वित्तीय समिति होती है, विभागीय समिति होती है, नियम समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति होती है, कई बताया मैंने, आवास समिति होती है, विशेषाधिकार, आकार, याचिका समिति, ढेर सारी है। इसका मतलब ये स्थाई है, इनका कुछ कार्यकाल होता होगा, स्थाई समिति का तो कुछ तो कार्यकाल होता होगा, तो इसको समझना है। चलिए भाई, क्या कहा मैंने, शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखा है स्थाई समिति यानी परमानेंट कमिटीज। क्या लिखा है, स्थाई समिति यानी परमानेंट कमिटीज। स्थाई समिति यानी परमानेंट कमिटी, चूंकि ये समितियां, चूंकि ये समितियां स्थाई होती है, नियमित होती है, स्थाई होती है, नियमित होती है, इसीलिए इन्हें स्थाई समितियां कहा जाता है, इसीलिए इन्हें स्थाई समितियां कहा जाता है। इसीलिए इन्हें स्थाई समितियां कहा जाता है। ऐसी समितियों का निर्माण, ऐसी समितियों का गठन ऐसी समितियों का गठन अब सोचिए, अगर मान लीजिए लोकसभा में बन रहा है तब, राज्यसभा में बन रहा है तब, कहा गया ऐसी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष पर, प्रत्येक वर्ष पर का मतलब एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के लिए बनी, अब क्या किया जाए, एक वर्ष बाद फिर से बनाया जाए, उसके लिए शब्द आता है प्रत्येक वर्ष पर। क्या कहा मैंने, चूंकि ऐसी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष पर या समय समय पर, या समय समय पर सदन के अध्यक्ष द्वारा निर्मित किया जाता है या गठित किया जाता है। क्या कहा, ऐसी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष पर, समय समय पर सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यानी सदन का अध्यक्ष कौन, या तो लोकसभा का स्पीकर। हमेशा इनका नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा सदन का अध्यक्ष। लोकसभा में होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में गठन होगा तो राज्यसभा का सभापति। तो समय समय पर, प्रत्येक वर्ष या जब जरूरत होती है, इनको कौन गठित करता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करता है। चूंकि चूंकि गठन के बाद ये एक वर्ष तक निर्मित रहती हैं, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है, एक वर्ष होता है, गठन के बाद ये एक वर्ष तक निर्मित रहती हैं, इनका कार्यकाल एक वर्ष होता है, इसलिए ऐसी समितियों को स्थाई समितियां कहा जाता है, ऐसी समितियों को स्थाई समितियां कहा जाता है। कहा गया कि वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग 45 स्थाई समितियां हैं, सदन में लगभग 45 स्थाई समितियां हैं, जिनमें कुछ तो ऐसी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनमें दोनों सदन कार्य करते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें केवल एक सदन। स्थाई समितियों में अगर हम बात करें वित्तीय समितियों की, सबसे पहले क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि भैया सबसे महत्वपूर्ण समितियां और क्वेश्चन इन्हीं समितियों पर बनता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं, और जितने भी कंपटीशन के आप एग्जाम उठा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। वित्तीय समितियां, प्राकलन समिति, एस्टीमेट कमिटी, प्राकलन समिति, एस्टीमेट कमिटीज,
लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटीज, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटीज, लोक उपक्रम समिति। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं जो स्थायी समितियां हैं और तीन ही भारत की वित्तीय समितियां हैं। ये तीनों का ग्रुप है, याद रखिएगा, तीन ही भारत की वित्तीय समितियां हैं। चलिए आइए अब बात करें प्राकलन समिति की। बात करें प्राकलन समिति की, क्या कहते हैं आप प्राकलन समिति को? एस्टीमेट कमिटीज। एस्टीमेट, क्या खर्च आएगा उसका एस्टीमेट बताइए, कहते हैं हम आप एस्टीमेट कमिटीज। यह सदन की स्थायी समितियों में, यह सदन की स्थायी समितियों में, यह सदन की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। ये सदन की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। यह सदन की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। इस समिति के, या हम कहें इस समिति का निर्माण, इस समिति का निर्माण आप उठा के देखना आज के टॉपिक को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रख के देखना, कोई ऐसा एग्जाम बचा है क्या जहां ये ना पूछी जाए, फिर देखिएगा। इस समिति का निर्माण केवल और केवल लोकसभा के, इस समिति का निर्माण केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब एकमात्र ऐसी समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को, एकमात्र ऐसी समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, राज्यसभा के सदस्यों को ऐसी समिति में, ऐसी कमिटी में शामिल नहीं किया जाता है। ये कौन है? ये प्राकलन कमिटी है, केवल लोकसभा के सदस्यों से बनती है, राज्यसभा के सदस्यों को ये अपने में शामिल नहीं करती। इसका मतलब वास्तव में सबसे बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। प्राकलन समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या, प्राकलन समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 होती, अर्थात ये 30 सदस्यीय प्राकलन समिति होती है जो केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्मित होती है। ऐसे ऐसे प्राकलन समिति का सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? ऐसे प्राकलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य ही अपने सदस्य में से लोकसभा के सदस्य ही अपने सदन में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। क्या कहा मैंने? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही इनका निर्वाचन करते हैं। कैसे करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, जब मैंने कई बार चाहे पब्लिक हो चाहे क्लास में हो, हमने जब भी पढ़ाया है तब आपको इसके बारे में राष्ट्रपति पढ़ाते समय बेसिकली मैंने ये जिक्र किया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही 30 सदस्य चुनेंगे, क्योंकि ये कहते हैं मैं राज्यसभा को शामिल नहीं करूंगा। तो ये क्या करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली से अपने सदस्यों के बीच में से इसका चयन करते हैं। कार्यकाल कितना, कितने समय के लिए करते हैं? एक वर्ष के लिए प्राकलन समिति के सदस्यों का गठन करते हैं। केवल लोकसभा के सदस्य है 30, इसलिए लोकसभा के सदस्य अपने में से ही सदन में से क्या करते हैं, इस माध्यम से अपने सदस्यों को चुनते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए, वास्तव में प्राकलन समिति महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों महत्वपूर्ण है? प्राकलन समिति कब गठित होती है? प्राकलन समिति कब गठित होती है? लोकसभा में प्राकलन समिति कब गठित होती है? अगर बात करें, इतनी इम्पोर्टेंट समिति है, इतनी इम्पोर्टेंट कमिटी है, कब गठित होती है? तो माना जाता है लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद, लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद ये गठित की जाती है। सत्ता दल का सदस्य इस प्राकलन समिति का अध्यक्ष होता है। सत्ता दल जान रहे ना, सत्तारूढ़ दल, सत्ता दल यानी जो जिसकी सरकार है, जो वास्तव में उस समय शासन सत्ता में शामिल है। अब क्या है, सत्ता दल का सदस्य मैंने बताया, सत्ता दल का सदस्य क्या होता है, इसमें अध्यक्ष होता है। सत्ता दल का सदस्य इसमें अध्यक्ष होता है, ठीक है। मंत्री परिषद का कोई सदस्य, मंत्री परिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे, अगर यह सत्ता दल का सदस्य अध्यक्ष है तो जाहिर सी बात है आलोचना तो नहीं करेगा। सत्ता दल का सदस्य अगर इसका अध्यक्ष है, आलोचना नहीं होगा। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। प्राकलन समिति को लाएगा कौन? वित्त मंत्री के नेतृत्व में इसको क्या किया जाएगा, गठित किया जाएगा। तो ये अपना रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को ही तो देगा, अपना रिपोर्ट किसे देगा, वित्त मंत्रालय को देगा। अब देखिए, और आप बता भी रहे हैं कि मंत्री परिषद के सदस्य इस प्राकलन समिति में शामिल नहीं है, केवल कौन है, सत्ता दल का सदस्य इसका अध्यक्ष है। इसका मतलब ये समिति सरकार पक्ष से सब गठित है। सर्वप्रथम प्राकलन समिति का गठन कब किया गया? 10 अप्रैल 1950 को, यानी पहली बार 1950 में आया है, पहली बार 1950 में गठित हुआ है। वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहली बार प्राकलन समिति का गठन किया गया है। इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहली बार प्राकलन समिति का गठन किया गया है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्राकलन समिति चूंकि सत्ता दल इसका अध्यक्ष है, तो इस समय वास्तव में वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो जब कभी सवाल आपसे पूछा जाए तो जानिएगा, गिरीश बापट।
गिरीश बापट इस समय प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं। विश्वास करिए, सवाल आपको जरूर मिलेगा कितने सदस्यों से निर्मित है, कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल है। आरंभ में इस समिति में 25 सदस्य होते थे। आरंभ में इस समिति में 25 सदस्य होते थे, किंतु 1956 में संशोधन किया गया और इसमें 30 सदस्य को शामिल किया गया और केवल क्या कहा गया, लोकसभा के सदस्य ही शामिल होंगे। प्राकलन समिति किस लिए गठित होती है, तो आप भी जानते हैं कि प्राकलन समिति गठित हुई थी बजट प्रस्तुत होने के बाद, अर्थात ये बजट के खर्च का आकलन करती है, सूक्ष्म अध्ययन करती है, अनुदान की राशि का जांच करती है, अतिरिक्त अनुदान अनुपूरक अनुदान इन सब की जांच करती है और कहती है कि महोदय क्या इस पर कम खर्च में कार्य नहीं किया जा सकता था, अर्थात सरकार के सार्वजनिक व्यय को निरंतर कम करिए, कम खर्च करिए, मित व्ययी करिए, इसके लिए क्या करती है, निरंतर आर्थिक व्यय पर चर्चा करके मित व्ययी बनने के लिए प्रेरित करती है। और याद रखिएगा, ये इतना आकलन करती है ना, तो ये केवल परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शी समिति है, बाध्यकारी नहीं है। याद रखिएगा, सत्ता पक्ष है तो बाध्यकारी कैसे होगा, तो ये परामर्शी है। इसी कारण से चूंकि ये इतने कार्य महत्वपूर्ण करती है, मित व्ययी बनने को कहती, निरंतर आर्थिक व्यय की बात करती है, इसलिए इस समिति को निरंतर अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है, निरंतर अर्थव्यवस्था, क्योंकि निरंतर कार्य कर रही है इसलिए समिति निरंतर अर्थव्यवस्था समिति, या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, स्थाई मित व्ययी समिति, खूब पूछा जाता है, स्थाई मित व्ययी समिति कहा जाता है। स्थाई मित व्ययी समिति किसे कहते हैं, प्राकलन समिति क्या होती है, तो चूंकि बजट के प्रस्तुत होने के बाद ही आती है, लोक लेखा समिति डॉग वॉचर के रूप में रहती है, दोनों ही वित्तीय समितियां हैं, दोनों ही सरकार के राशि पर खर्च पर ध्यान रखती हैं, इसलिए प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राकलन समिति लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहलाती है और दोनों मिलकर सरकार पे नजर रखे होती हैं, सरकार को मित व्ययी बनने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब समितियां संसद की अभिन्न अंग के रूप में कार्यों का संचालन करती हैं। इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जी भर के आप रिविजन करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आज के टॉपिक में आपको पक्का हर जगह प्रश्न मिलेंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां आपको प्रश्न ना मिले। तो ये क्या था, समिति किस प्रकार कार्य करती है और संसद के अभिन्न अंग के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, हमने इस पर चर्चा किया है। मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।